सो हेलो गाइस, सो गाइस वेलकम टू माय चैनल गे प्रेम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बाईसेक्सुअल की लाइफ के बारे में। हम एक नज़र डालने वाले हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और फाइनली सॉल्यूशन मिलने वाला है कि अगर आप बाईसेक्सुअल हैं तो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। शादी, लाइक लड़का लड़की, फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, ये सारे सॉल्यूशन का और इस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाला है आज के इस वीडियो में। क्योंकि बाईसेक्सुअल अगर कोई है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइस, हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 1K से ज़्यादा हो चुका है, अब तो 1.1K से भी ज़्यादा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पर आप सब मेंबर्स, इतने सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस कहना चाहूँगा कि बाईसेक्सुअल इसका मतलब है कि उसको लड़की और लड़का दोनों में इंटरेस्ट है, ठीक है। बट गाइस कहना चाहूँगा कि जो बाईसेक्सुअल होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो हार्ड रिलेशनशिप लगते हैं, लाइक आफ्टर मैरिज वो क्या करते हैं, लड़की से शादी करके फिर बॉय के साथ रिलेशन में रहते हैं, ऐसा है होता है, ठीक है। क्योंकि वो उनका ये रहता है कि भाई पेरेंट्स, फैमिली, ये सारी सिचुएशन होती है कि कैसे, मतलब लाइक अगर हम उनको बताएंगे तो क्या कुछ उनका रिएक्शन होगा, इन सारी चीज़ों की वजह से फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर, इस सब की वजह से वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको दोनों में इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब उनको दोनों में लव हो सकता है, दोनों के साथ फिजिकल हो सकते हैं वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको लड़कों से लव नहीं हो सकता है। वो लड़के से भी कर सकता है लव, लड़की से भी कर सकता है, उसको किसी से भी हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है बाईसेक्सुअल का मतलब, जैसे हम जानते हैं कि हाँ उसको बॉय गर्ल दोनों में इंटरेस्ट होता है, बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसको दोनों ही चाहिए, नो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर उसको सच्ची फीलिंग्स है किसी के साथ, सच्ची वाला ट्रू लव है, तो वो किसी एक के साथ भी खुश रह सकता है, ठीक है। बट मैं बात करूँ अट्रैक्शन की, लव की, तो वो दोनों के साथ हो सकता है, बॉय एंड गर्ल। सो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया बाईसेक्सुअल के बारे में कि जो चीज़ें होती है तो वो क्या करते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनमें दोनों में इंटरेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं, भले उनको लव लड़के से हो जाता है बट वो क्या करते हैं, फिर फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं लड़के से शादी करते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही बाईसेक्सुअल्स, ठीक है। इवन गे भी कई, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ हम बाईसेक्सुअल की बात करेंगे, तो जब गे लोग तक कर देते हैं तो बाईसेक्सुअल करना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट भी होता है लड़कियों में, ठीक है। तो क्या ये करना सही है, लाइक किसी लड़की के साथ शादी करके बाईसेक्सुअल के लिए ये सारी चीज़ें करना सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप बाईसेक्सुअल हैं तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी लड़की से तो करिए, बट आपको दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जिस भी लड़की से आप शादी कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि उसको आपको आपकी पूरी रियलिटी पता होनी चाहिए। आप कुछ भी उससे छुपाइए मत। जब आप, हो सकता है आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी हो, अगर आपकी जहाँ तक चांसेस है कि अगर लव मैरिज होगी फिर तो चांसेस है कि आप खुद शायद बताने की हिम्मत कर पाए उस लड़की को, बट अगर आपका अरेंज मैरिज है तब भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ उस लड़की को बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी चीज़ उससे छुपा नहीं सकते। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब छुपा के लाइक बता दीजिए उसके बाद शादी टूट जाए, नो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस लड़की को बता देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसका डिसीजन होगा वो आपसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर फिर भी वो लड़की रेडी आपसे शादी करने के लिए, देन यू कैन डू मैरी विद हर, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप शादी करिए लड़की से, बट आपको ध्यान रखना है कि उसको रियलिटी, आपको पूरी सच्चाई बता देनी है उसको, आप अपनी सच्चाई, कुछ भी छुपाना नहीं है। उसके बाद उसका डिसीजन, अगर फिर भी वो आपसे शादी करना चाहती है तो आप कर लीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी होगी। बट अगर आप ऐसा करते हैं कि उसको कुछ बताते नहीं है, सिर्फ ये है कि हाँ भाई मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में भी है, तो लड़कियों में है तो इसीलिए जस्ट शादी कर लो, और बाद में हाइट रिलेशनशिप रख के लाइक शादी हो जाए लड़की से, उसके बाद लड़कों के साथ फिजिकल होना, ये कम्प्लीटली गलत है। और एक ना एक दिन आपकी वाइफ को ये ज़रूर चीज़ पता चल जाएगी, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होगा शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ की बात करते हुए, पेरेंट्स को हर प्रॉब्लम बतानी चाहिए, इवन क्योंकि अब हम बात करें शादी की, ठीक है, तो ये कोई बड़ा छोटा डिसीजन तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है पूरी लाइफ के लिए। तो जब शादी की टाइम हो गया ना, तो आपको पेरेंट्स को हर चीज़ बता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक आप सोचे कि ये ज़रूरी थोड़ी ही है, ये बहुत ज़रूरी है आपको। बट ये ध्यान रखना कि आपको ये बहुत पहले से ना बता दीजिए, जब आप छोटे हो, टीनेजर हो, तब आपको नहीं बताना है। बट जब आपकी शादी में बात करूँ, उस टाइम पे आपको घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए, उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बोल दिया कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, किस तरह से उनको रखना चाहिए, मैंने बता दिया कि अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो या लव मैरिज, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप ध्यान रखिए कि लड़की को पूरी सच्चाई आप पहले बता दीजिए, उसके बाद भी वो रेडी होती है तो आप कर लीजिए उससे शादी, ठीक है। नंबर वन सोल्यूशन ये। उसके बाद बच्चे की बात करते हैं, तो ओब्वियसली जब आपकी वाइफ आपसे खुश होगी क्योंकि उसको सब कुछ पता होगा आपके बारे में, उसके बाद आपका डिसीजन है कि आपको सिर्फ वाइफ के साथ रहना है या फिर उसके
अलावा भी बॉय के साथ आपको फिजिकल होना है, तो ये आपका पूरा डिसीजन है। बट वही है कि जब आपकी वाइफ जानेगी सब कुछ तो वो तो नहीं बुरा मानेगी, अगर पहले से उसको सबको पता होगा तो। और जहाँ तक चांसेस है कि कोई भी लड़की या कोई भी हो, मतलब वो और नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ करे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ पहले बता दिए, ताकि सब कुछ, अगर सब कुछ सही से होता है तभी सब कुछ ठीक है, वरना तो सब बेकार है। कुछ भी हाइड और फेक रिलेशनशिप रखने की कभी भी कोशिश मत कीजिए, कुछ भी छुपा के झूठ बोल के कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। अगर चल भी जाएगा तो उसमें वो लव नहीं रहेगा, वो बस एक दिखाने के लिए रहेगा। उसमें आपको कभी भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, ना आपको ना आपके पार्टनर को। और जब आप ही खुश नहीं रहेंगे तो आपके पेरेंट्स खुश कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप बात करते हैं बच्चों की, तो वो तो देखिए वैसी बात है कि वो तो अगर आप बाइसेक्सुअल लड़की के साथ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात हो ही जाएंगे। तो ये सोल्यूशन है, तो मैंने बता दिया आपको अगर आप बाइसेक्सुअल हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बता दिया मैंने। बस मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं आप वही बन के रहिए, कुछ भी फेक दिखाने की कोशिश या बनने की कोशिश मत कीजिए। फेक रिलेशनशिप आप चलाना चाहेंगे तो चल जाएगा वो काफ़ी हद तक, बट एक ना एक दिन वो टूट जाएगा और वो अंदर से खुशी नहीं आएगी, एक ना आपको ना आपके पार्टनर को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, करिए, लेकिन सब कुछ बता के, सब कुछ सच्चाई के साथ, ठीक है। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपके अंदर, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बता दो आपकी मैं आप बाइसेक्सुअल हूँ, जिससे आप शादी करने वाले जिस लड़की से, तब प्लीज़ आप मत कीजिए, उसकी भी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। और उसके बाद भी आप बताने के बावजूद अगर वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है, देन ए प्लस पॉइंट है। बट ध्यान रखिए आपको सब कुछ उसको बता देना है, मतलब अच्छे से समझा देना, ये नहीं कि आपने बता दिया बट उसको समझ नहीं आया, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बाकी आप लोग खुद समझदार है, सबकी फैमिली सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, तो हम किसी को जज करने वाले होते नहीं हैं। मैंने एक सजेशन दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि बाइसेक्सुअल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई तैयार हो जाती है कोई लड़की, देन आप ओके हैं तो ठीक है। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप किसी बॉय के साथ मत रखिए, क्योंकि आपका शादीशुदा लाइफ भी ख़राब होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ज़्यादा ही और नहीं रह सकते उनके साथ बिना फिजिकल हुए या बिना कुछ स्पेशल मोमेंट के, लाइक लव इट ऑल, तो आप प्लीज़ लड़की से शादी मत कीजिए। मेरा तो यही सजेशन है। मुझे पता कि लाइफ बहुत टफ होने वाली है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये समझिए आपकी लाइफ एक गेम है और उसको खेलना आपको आना चाहिए अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो बस चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं वीडियो, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।